In the last module, we have discussed the formation of hemiacetal and acetal formation of the aldehyde group with the addition of alcohol, and similarly, the formation of hemiketal and ketol with the ketonic group and addition of alcohol. In this module, we will discuss the formation of ring structure of carbohydrates. For example. d glucose exist इन a solution नॉट इन the क्रिस्टलाइन फॉर्म इन a solution फॉर्म इट हैज़ एन intramolecular hemiacetal in इन विच अ फ्री group ग्रुप विच इज़ at एट कार्बन एटम नंबर फाइव with विद aldehyde group of ग्रुप ऑफ atom एटम नंबर वन इंट्रामोलिकुलर इसलिए कहते हैं कि ये एक ही मॉलिक्यूल के साथ इसका दो कार्बन जो एक ही मॉलिक्यूल के हैं एक C1 जिसके ऊपर एल ग्रुप भी अटैच है चाहे। और दूसरा C5 जो उसी मॉलिक्यूल का है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साइक्लाइज करते हैं और साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है इसलिए इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हैसीटॉल ग्रुप फॉर्मेशन कहते हैं इन दिस स्ट्रक्चर और इन दिस डायग्रामेटिक प्रजेंटेशन वी विल सी हाउ फॉर्मेशन ऑफ ए इंट्रा इंट्रामोलिकुलर स्ट्रक्चर इज फॉर्म ये कार्बन एटम नंबर वन है विच इज एल इसके साथ सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है सो इट इज़ एल ग्रुप ये रिएक्ट करेगा कार्बन एटम नंबर फाइव के साथ जिसके एक साइड पे OH अटैच है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है ये सो दिस इज कार्बन एटम नंबर वन ये यहाँ आ गया और पांच नंबर यहाँ आ गया कार्बन आइटम नंबर सिक्स जो है वो इस साइड पे चला गया दिस फॉर्म्स एन इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन बिटवीन कार्बन आइटम नंबर वन जो कंटेन कर रहा है दिस अल्टीहाइड ग्रुप और ये रिएक्ट करता है ओ OH के साथ इस ओ कार्बन आइटम नंबर फाइव के जिसके ऊपर जो ओ एच का है दिस इज एज वी नो इज़ अल्कोहलिक ग्रुप सो इट इज़ फॉर्मिंग ए साइक्लाइजेशन बिटवीन वन एंड फाइव ऑफ द अल्डीहाइडिक एंड द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल देअर फॉर रेंडरिंग द लेटर कार्बन विच इज सी वन और द अल्डीहाइडिक कार्बन इसको एसमेट्रिक कर देता है पहले हमने डिफाइन किया था प्रीवियस मॉड्यूल में कि ग्लूकोज में चार एनोमेरिक कार्बन हैं चार कायरल सेंटर हैं जो कि चार एसमेट्रिक कार्बन हैं यहाँ पाँचवा कार्बन जो है वो एसमेट्रिक एक अदर कार्बन एटम जो है विच इज़ कन्वर्टेड इन टू एस्मेट्रिक कार्बन विच इज एट इन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विच इज़ एट दी सी वन ऑफ द एल डी ग्रुप एंड देयर फॉर प्रोड्यूसिंग टू स्टीरियो आइसोमर्स वो टू क्यों हैं क्योंकि हमने पहले डिफाइन किया था कि एक अगर कार्बन है तो उसके टू रेज टू पावर एन एन कार्बन एटम की तादाद है तो अगर टू के ऊपर एक और कार्बन ऐड हो गया तो दो ही इसके आइसोमर्स कहलाएंगे जो डेजिग्नेट करेंगे एज अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम नंबर वन साइक्लाइजिंग आफ्टर साइक्लाइजिंग हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे इसीलिए इसको एसमेट्रिक कार्बन आइटम कहेंगे एंड इट बिकम्स एंड एसमेट्रिक सो दिस न्यूली क्रिएटेड एसमेट्रिक और कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन आइटम आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट डिफर ओनली इन देयर कन्फिग्रेशन अबाउट हैमी एसिटॉल और हैमिकेटॉल कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एनोमर्स जो कार्बन सिर्फ हेमियासीटॉल और हेमिकिटॉल जो कि सिर्फ इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर में बनते हैं उस पर डिफ़र करेंगे उसको उनको एनोमर्स कहलाएंगे और ये एनोमर्स जो हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स की एक फॉम है दिस इज़ अगेन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये हमने यहाँ तक देखा था कि कार्बन एटम नंबर वन फाइव के साथ मिल गया और इसने इसको वन को उसके साथ साइक्लाइज कर दिया और यहाँ तक हैमी एसीटॉल बना था जबकि यहाँ पे आके ये एसीटॉल फुल एसीटॉल में कन्वर्ट हो गया और इसमें हमने डिफ़ाइन किया है कि ये एनोमेरिक बन गया एनोमेरिक क्यों बन गया कि इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं सो इट बिकम्स एन अदर एसमेट्रिक और कायरल सेंटर इसके चारों डिफरेंट ग्रुप्स इस तरह अटैच हैं कि ऊपर इसके हाइड्रोक्सल है नीचे हाइड्रोजन है और एक साइड पे ऑक्सीजन और ईथर लिंकेज के साथ अटैच है और फोर्थ साइड पे इसके अगेन दिस ग्रुप इज अटैच सो इट बिकम एन अदर एसमेट्रिक कार्बन एटम और एनोमेरिक कार्बन एटम एंड फॉर्मिंग एन अदर फॉर्म ऑफ आइसोमर्स विच इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा आइसोमर अब हम इसे अल्फा क्यों कहते हैं द डेजिग्नेशन अल्फा इंडिकेट्स दैट द दाइड्रोक्सल ग्रुप एट C1 वन इज ट्रांस टू सी एच टू ट्रांस का मतलब है कि ये थ्री डायमेंशनल अगर देखें तो एक प्लेन में पड़े हुए हैं इसके अंदर ऊपर जो है ना सी एच टू ओ है दिस वन सी एच टू ओ एच सिक्स पे और इसके नीचे अगर आप देखें यहाँ सी एच टू ओ एच है तो नीचे आप देखें तो यहां ओ OH एच यहां पड़ा हुआ है तो दिस सी वन इज ट्रांस टू सी एच टू ओ दिस कन्फिगुरेशन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम और अल्फा कन्फिगोरे और अल्फा डी ग्लूको पायर ग्लूको पायर को वी विल डिफाइन इन नेक्स्ट दू मॉड्यूल्स इसी तरह हमने कहा है कि दो डिफरेंट फॉर्म्स में बन रहे हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज अल्फ़ा कैसे डिफाइन किया हमने कि उसी के अगर ट्रांसपोजिशन में है अगर सिमिलर प्लेन में है जिस तरह सी एच टू ओ एच भी इसी प्लेन में है और ओ OH एच भी इसी प्लेन पे है एट कार्बन एटम नंबर वन तो ये कन्फिग्रेशन कहलाएगी सिस एंड दी प्रोडक्ट नेम और दॉलिकुलर नेम इज़ बीटा डी ग्लूकोपायोनोज और बीटा कन्फिगुरेशन ऑफ दिस आइसोमर द दर्डनरी क्रिस्टलाइन ग्लूकोज हैपन्स टू बी इन द अल्फ़ा फॉर्म अभी तक जो हमने डिफाइन किया है ये सोल्यूशन फॉर्म में है जबकि क्रिस्टलाइन ग्लूकोज को अगर देखें तो वो मोस्टली अल्फा फॉर्म में होता है जो के कन्वर्टेबल है इनटू अल्फ़ा एंड बीटा जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में चला जाता है